प्रश्न नंबर एक, 14, 31 व एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है? इसमें थर्ड संख्या मिसिंग है जिसको हम यहाँ सॉल्व करके निकालेंगे कि वो तीसरी संख्या कौन सी है। तो इसके लिए एक फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये होता है जिसे औसत निकालने के लिए, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे पहले देखते हैं। संख्या पहली संख्या 14 प्लस दूसरी संख्या जो ये है 31 और प्लस तीसरी संख्या नहीं मालूम इसलिए हम उसके लिए उसको मान लेते हैं। और नीचे संख्याएं कितनी हमारी में 1, 2 और तीसरी जो मिसिंग है 3 संख्या टोटल है, बराबर औसत कितना दे रखा है इसका 30। तो हम करते हैं 14 और 31 होता है 45 प्लस 3 और ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसलिए हो जाएगा 90। अब ए 90 माइनस 45 और एग्जैक्ट इक्वल टू इसका कितना आएगा, 90 में से 45 जाएगा 45 ही आएगा, यानी कि जो हमने तीसरी संख्या निकाल ली थी वो हो गई 45। ये इसका आंसर होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, अब रहा आपका ये रहा दूसरा क्वेश्चन। मिताली चुरूल ने क्रमशः 336 और 231 के कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने कुछ महीने बाद पैसे वापस निकाल लिए। 12 महीने के समापन के बाद लाभ का अनुपात 2:3 हुआ, मिताली ने कितने महीने के बाद अपना पैसा निकाला होगा? देखने कुछ पहले लिखते हैं अपन इधर लिखते हैं जो इन्होंने अपने कारोबार में क्रमशः कितना लगाया, 336 लगाया है और इन्होंने 231 लगाया है। और इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है तो कितने महीने तक कारोबार चला है, 12 महीने तक चला है टोटल कारोबार, इसलिए 12 महीने तक हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। 12 महीने तक जुलन ने लगाया लेकिन क्या किया है, कुछ महीने बाद पैसे निकाले मिताली ने, इसलिए मिताली का 12 महीने तो चला नहीं कारोबार, मिताली ने कुछ महीने बाद निकाले, कितने महीने ये नहीं पता, इसलिए हम लिखते हैं मिताली को एक्स मान लेते, एक्स महीने पैसे निकाल लिए। लेकिन जुलन ने तो पूरे 12 महीने तक पैसा लगाया और लाभ जो हुआ उनका वो 2 हिस्सा इनको मिला और 3 हिस्सा इनको मिला। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बटे में करते हैं, इसको बटे में कर लेते हैं। तो देखते हैं 3, 3, 6 × x और यहाँ 2 × 3 = 12 × 3 × 4 = 12 और 4 × 2 = 8 हो जाएगा। और इसको लिखते हैं 3, 3, 6 × x = 4 × 8 होगा और 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8,
होती है। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम ये ना करके 2, 3, 1 × 4 = 8 होता है, 8 यहाँ पर लिख देंगे और अपॉन में लिखेंगे जो 336 है ये अपॉन में आ जाएगा। अब काटते हैं 8 = 42 है और 7 से काटते हैं 7, 6 और ये 7, 3 = 21 फिर बचेगा 1 और 7, 3 = 21 यानी कि जो आपका बचा हुआ शेष था वो बचा x = 33/6 से करने 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3, 3 × 3 यानी कि x = y आपका 11/2 को हम अगर करेंगे तो 5.5 यानी कि 5 वर्ष 5 महीने।